ये है ट्विंकल वैष्णव महादेव प्रजापति, और अब हमारे बीच में महेंद्र जी तक से मेरा निवेदन रहेगा कि वो माइक्रोफोन पर आए और इनके बाद में बिना किसी विलंब के, बिना किसी विलंब के हम चलते हैं प्रकाश जी माली के साथ। दो मिनट की उपस्थिति महेंद्र जी तरह की, मैं माफी चाहूंगा आप सबसे 5 मिनट के व्यवधान के लिए, बट चूंकि आज इतनी बड़ी परिषद है और हमारे बीच में मुख्य अतिथि भी पधारे हुए हैं, तो मैं निवेदन करूंगा दोनों मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान भवनलाल जी साहब पीतलिया एवं श्रीराम पुखड़ा जी साहब मेहता, कृपया मंच की ओर आए। और मेरा निवेदन रहेगा मदारिया ओसवाल जैन ट्रस्ट के अध्यक्ष महोदय श्रीमान भवनलाल जी बोलिया, मंत्री महोदय श्रीमान मदनलाल जी बोराना, संयोजक कार्यक्रम के श्रीमान दिनेश जी कटारिया और निवर्तमान अध्यक्ष भाई श्री कुंदन जी गन्ना, कृपया मंच की ओर शीघ्र पधार जाएं। मैंने जिन जिन का नाम लिया है कृपया वो शीघ्र पधारें, हमें अतिथियों का सम्मान करना है। 5 मिनट के लिए मैं व्यवधान बना हूं और मेरा निवेदन रहेगा कार्यकर्ताओं से शीघ्र दोनों अतिथियों के सम्मान की सामग्री मोमेंटो साल और दुपट्टा लेकर के पधारे। इसी के साथ में दो परिवारों का हमारा सम्मान, डायमंड के प्रायोजक चावत परिवार और बोराना परिवार का सम्मान, किन्हीं कारणवश परिवार के सदस्य भोजन के लिए पधारे थे तो पहले नहीं हो सका, उनका भी 2 मिनट में हम दोनों परिवारों का सम्मान करना चाहेंगे। तो मेरा निवेदन है चंदन मल जी वर्दी चंद जी चावत परिवार के सभी सदस्य तैयार रहे, और उसी के साथ मदन लाल जी कैलाश चंद जी बोराना परिवार के सभी सदस्य कृपया जिन जिन का भी सम्मान, और उनका सम्मान करने के लिए जो आगे जितने भी ट्रस्टी उपस्थित हैं वो जो जो ट्रस्टी शीघ्र पधारे, और हम दोनों प्रायोजक परिवारों का डायमंड के प्रायोजक परिवार श्रीमान चंदन मल जी वर्दी चंद जी चावत परिवार कृपया पधारे, विलंब ना करे, हमें अभी कार्यक्रम को गति मिली है। और कुछ कलाकार है, अभी मैं सागर जी माली से बात कर रहा था तो सागर जी माली को पूछा कि भाई और कितने कलाकार हैं, सागर जी माली बोलिया अटे तो खजानो भरियो पड़ियो है, था जाना जितनी परमिशन दे वित्तो काम कर देवा, लेकिन हमें भाई प्रकाश जी माली को भी सुनना है जिसके लिए सब बेसब्री से इंतजार है। तो मेरा निवेदन चावत परिवार और बोराना परिवार के सदस्य कृपया विलंब ना करें, शीघ्र पधारे। हम हमारे विशिष्ट अतिथि श्रीमान लहर सिंह जी साहब सिरोया एवं श्रीमते हैं ओ बोराना परिवार के सदस्य कृपया पधारे, चावत परिवार के सदस्य शीघ्र पधार जाए कृपया, आप अभी कोई विलंब ना करें, किसी का इंतजार ना करें, जो भी परिवार के सदस्य उपस्थित है कृपया पधार जाए, अभी हमें व्यवधान पैदा नहीं करना है पब्लिक के बीच में, कृपया पधारे। कार्यकर्ताओं से निवेदन है पुराना परिवार का सम्मान मोमेंटो दोनों जो डायमंड के प्रायोजक भी बने थे, और जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी सिल्वर प्रायोजक में सेंचुरी में एक नंबर कम पड़ रहा था, भाई मदन जी बोराना ने सहजी उसकी स्वीकृति भी प्रदान की। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ट्रस्ट परिवार की ओर से बोराना परिवार का, चावत परिवार के सदस्य कृपया तैयार रहे। भाई ग्रुप फोटो वाले कृपया जल्दी से फोटो ले लें आप सब। मदारिया ओसवाल जैन ट्रस्ट के संस्थापक सदस्य स्वर्गीय श्रीमान शांतिलाल जी साहब बोराना को भी हम आज याद करना चाहेंगे, जिनकी अंत्य भावना थी और उस भावना के फलीभूत आज होने जा रही है। और मुझे जब मैं मदनलाल जी बोराना के साथ काम कर रहा हूं तो ऐसा ही लग रहा है कि शांतिलाल जी का साया शायद मदनलाल जी के अंदर अवस्थित है और उसी शैली में वो आगे काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चावत परिवार के श्रीमान चंदन मल जी सा चावत, सुनील जी चावत और जो भी सदस्य उपस्थित हैं वर्दी चंद जी सा चावत कृपया पधारिए मंच की ओर, हम आपका सम्मान करना चाहेंगे। जैसा कि मैंने पहले जानकारी दी थी तीनों डायमंड प्रायोजकों ने मेवाड़ भवन की मीटिंग, पहली मीटिंग में मांडोत परिवार श्रीमान बाबूलाल जी साहब मांडोत ने सर्वप्रथम अपनी स्वीकृति दी आगे से बढ़ के, ऐसे ही चावत परिवार ने अपनी स्वीकृति और बोराना परिवार ने स्वीकृति दी। ये तीनों स्वीकृतियां इस भव्य कार्यक्रम को करने में हमें एक ऊर्जा का स्रोत मिला था, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम जैसे जैसे समाज के सामने गए समाज ने पूरे दिल खोल करके पूरे मन के साथ इस ट्रस्ट को सहयोग किया। मैं सभी समाज के सभी अनुदान दाताओं का प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जिन्होंने भी हमें
ये सहयोग दिया, उन सभी का बहुत बहुत तहे दिल से ट्रस्ट के सभी ट्रस्टियों की ओर से तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं आशा करता हूं इसी तरह से जब जब भी इस मेवाड़ भवन के कार्य में हम जो जो भी योजनाएं लेके आए, आप पूरे मनोयोग से इस परिवार को सहयोग देंगे। इन्हीं मनोभावनाओं के साथ पुणे में ये माइक आपसे क्षमा मांगते हुए ये माइक मैं सुपुर्द कर रहा हूं भाई सागर जी माली को। धन्यवाद। जिस घड़ी का हम सभी को बेसब्री से इंतजार है, आए हैं काटेंगे एक शाम आज की महफिल में, चाहोगे तो कर देंगे दो बात आज की महफिल में, और अगर आप तालियों की घटा बन जाओगे तो हम भी कर देंगे गीतों की बरसात आज की महफिल में। जोरदार तालियों से स्वागत करें आदरणीय प्रकाश जी माली मालानी रतन और देशभक्ति में सिरमौर, जिन्होंने समूचे हिंदुस्तान भर में अपनी वाणी के माध्यम से युवा साथियों में देशभक्ति पुरजोर तरीके से जगाई है। और लीजिए चलते हैं, आदेश हमें ऐसा मिला है कि महाराणा प्रताप अब वो प्रकाश जी करते हैं। हारमोनियम दे दीजिए। हेलो रिवो बिको बड़ा आज की शाम में आप सभी लोग आनंद ले रहे हैं और उसी आनंद की थोड़ी सी आवाज कम कर दो थोड़ी सी। मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं, सामने दर्शक दीर्घा में विराजमान सभी मेरे बड़ों के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, आप सभी का यथा योग्य अभिवादन करता हूं। थोड़े मॉनिटर दे दो ना भाई, आगे थोड़े से आगे ले। मेरे जीवन का ये पहला अनुभव है कि मैं किसी लोक संगीत या लोक गायन के कार्यक्रम में है। निमंत्रण पर मैं आप सभी लोगों के समक्ष हाजिर हुआ हूं। मंच पर हमारे बड़े आदरणीय रामकिशोर जी दादी, हमारी छोटी बहन सोनू जोशी, और इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक के रूप में जो मामा के नाम से प्रसिद्ध है सागर माली जी, मैं चाहता हूं इन सभी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा के एक बार आप लोग अभिवादन करें और ताली पीछे तक बजा के बताएं कि हाँ ये मेवाड़ की ताली। एक बार दोनों हाथों को उठाकर कह दीजिए भारत माता की। थोड़ा एक और बना डिले यूज कर सकते हैं ऐसी जगह पर। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं
पद पदम दर्शितम ये तस्मे श्री गुरुवे नमः। हार्मोनियम सरस्वती स्वर दीजियो सरस्वती स्वर दीजियो गणपति दीजो बजरंगी बल दीजियो सतगुरु दी जो जा हेलो हेलो थोड़ा रिवर्ब बढ़ाओ। आदरणीय लहर सिंह जी से मैं अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर आए और पूरे मंडल की ओर से पूरे ट्रस्ट की ओर से आपका अभिवादन किया जाना है। मैं चाहता हूं दोनों हाथों को उठाकर हमारे ऐसे युग पुरुष जिन्होंने समय समय पर हम सभी को संभाला है, ऐसे परमादरणीय लहर सिंह जी मंच पर पधारे और आप सभी लोग दोनों हाथों को उठा के तालियों से एक बार सभी लोग अभिवादन करें। आपने कहा मैं आपको सुनने के लिए आया हूं और मैं आपको सुनाने के लिए आया हूं। हेलो थोड़ा बढ़ाओ, थोड़ा सा थोड़ा रिवर्ब भी बढ़ा दो। बोरे धोबा दी धुन तीरो पिच रंग पाड़ा दी एक बार दोनों हाथों को उठा के आपकी तालियों के साथ बजाना चाहता हूं। बोरे धोबा दी धुन तीरो पिच रंग पाड़ा दी धरती दो पिथल पाथल दी धुन तीरो पूरा कर मारी धरती दो कितरो कितरो में करा में भार कण कण सो गूंजे जय जय राजा गोरे थोड़ा दी धरती दो चिदन पाड़ा दी धरती दो पिथल पाथल दी धरती दो मीरा थरमा दी धरती दो कितरो किचिरोर करा में बता कण कण सो गूंजे जय जय राजा। हलो भरतपुर अलवर हर अजमेर कापूंगी हलो भरतपुर अलवर हर अजमेर पुष्कर तीर्थ भरो के जिनरी शोभा चारों में पुष्कर तीर्थ भरो के जिनरी शोभा चारों में आप दे अजमेर शरीफ ओलिया दे अजमेर शरीफ ओलिया नित सतरो परमार के कितरो। आप में से कितने लोगों को राजस्थान मेवाड़ी या मारवाड़ी होने का अभिमान है? हाथों को उठाइए रखिए तारी के साथ पे में कण कण सो गूंजे जय जय राजा कण कण
धर्म चला, धर्म चा भाई धर्म चला, धर्म चला भाई धर्म चला। ओ ओ ओ ओ गण कुंभ जयपुर में आमेर भवानी जो थाने मुंडो, जयपुर में आमेर भवानी जो थाने मुंडो। आप बीकानेर में करनी माता बीकानेर में करनी माता रा थोड़ा भी शांत कित करा में बखान कण कण सो गूंजे। आप लोग बोलना कण कण सो गूंजे, कण कण सो गूंजे। घर पूजा भाई धर्म चला, घर पूजा भाई धर्म चला, धर्म चला भाई धर्म चला। ओ, 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 ओ। मुनी हाड़ी दानी जेड़ी सती आ जाई, पीर पचमनी हाड़ी दानी जेड़ी सती आ जाई। जो था दुर्गा दास सजनना जन्मी पन्ना धाई, जो था दुर्गा दास सजनना जन्मी पन्ना धाई। और घर घर गूंजे घर घर गूंजे मीरतनी, मीरारा मीठा गान के कितनो कितनी रोल कराने कण कण सो गूंजे। जय जय राजस्थान, थोड़ा भी भर पी दो, जरम थाड़ा भी भर पी दो, पिथल पाथल भी भर पी दो, मीरा थर्मा भी भर पी दो, कितनो इंदौर का राम बखान कण कण सो गूंजे। जय जय राजस्थान। से तुझे धरती की रानी कर देंगे, अब के पद से। देखिए 2024 है और अब की बार, बोलो अब की बार, अब की बार, अब के पद सानी कर देंगे, अब के पद से। अब के पद से तेरी आंसू में पानी भर देंगे, अब के पद
सुर अब तो बदस तेरी झूमर को भानी कर देंगे अब के बरस दुनिया तो पानी है बेटा सा पानी है ये दुनिया तो पानी है बेटा सा पानी है तेरे हवाले है जिंदगानी जिंदगानी कर देंगे अब के बरस अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे अब के बरस से निवेदन करता हूं भारत माता की क्या बात है ओ दुनिया की सारी दौलत से इज्जत हमको प्यारी दुनिया की सारी दौलत से इज्जत हमको प्यारी मुट्ठी में किस्मत है अपनी हमको मेहनत प्यारी यहाँ पर बहुत सारे भामाशाह लोग बैठे हैं एक ठेका बजाओ हाँ परंतु जब आप बेंगलोर आए थे तो भामाशाह या सीधे सेठ नहीं बन गए थे हो सकता है किसी ने फुटपाथ पे अपना जीवन बिताया हो सकता है किसी ने किसी के आगे नौकरी करी हो सकता है कि किसी को दो वक्त का खाने का ना मिला हो सकता है कि हमारे पूर्वज जब आए तो गांव से किसी से किराया उधार लेकर ट्रेन में वो भी बाथरूम में बैठकर पास में बैठकर यहाँ आए लेकिन मित्रों आपके हमारे जीवन में राजस्थान के संस्कार हैं कि हमने पहला तो हमारा जो पहला जो धर्म है वो मेहनत है और उसके बाद में दूसरा जो हमारा धर्म है वो ईमानदारी है यदि दक्षिण भारत में राजस्थान के लोग आज यदि संपन्न हुए हैं यदि दक्षिण भारत में राजस्थान के लोग आज समृद्ध हैं तो उसके मात्र दो कारण एक तो हमारी मेहनत और दूसरी हमारी ईमानदारी हमने चोरी के बल पर धनवान बनना नहीं चाहा हमने अपनी मेहनत के बल पर अपने जीवन को बनाना चाहा यदि ऐसा है तो पीछे तक सभी लोग एक बार दोनों हाथों को उठा के दुनिया की सारी तो दर्द से इज्जत हमको प्यारी मुट्ठी में किस्मत है अपनी हमको मेहनत प्यारी मुट्ठी की कीमत का कोई जग में रत्न नहीं है जिल्लत के जीवन से बदतर कोई कतन नहीं है जिल्लत के जीवन से बदतर कोई कतन नहीं है देश का हर दीवाना अपने प्राण चीर कर बोला देश का हर दीवाना अपने प्राण चीर कर बोला बलिदानों के पल पर अपना रक्त बसंती चोला बलिदानों के पल पर अपना रक्त बसंती चोला कि हमने जानी है अपने मन में ठानी है अब कि हमने जानी है अपने मन में ठानी है और क्या जिस दिन पुलवामा का हमला हुआ था उसके बाद भी देश के प्रधानमंत्री
नहीं ये अपने जीवन में कसम उठाई थी कि जब तक मैं हूं इस देश में कोई आतंकी हमला नहीं होगा। मित्रों 2014 के बाद आज तक इस देश में किसी भी प्रकार की ऐसी सूचना को हमने नहीं सुना, और जिन लोगों ने किया था उसका पूर्व प्रधानमंत्री जेल में। कई लोगों को कल पता चलेगा आटा वहां पर 250 रुपए किलो हो गया है, लेकिन भारत पूरी विश्व का नेतृत्व करने चल पड़ा है। ये आजादी का अमृत कालखंड जो है वो भारत को विश्व गुरु के सिंहासन पर मां भारती जी को आरूढ़ करने के लिए आपके हमारे जीवन में आप और हम सभी लोग इसके साक्षी बनने वाले हैं, क्योंकि हमने देश को चुनके ऐसा सन्यासी दिया है जिसने अपने जीवन में कसम खा रखी कि मैं रुकूंगा न थकूंगा न छुकूंगा, मां भारती के लिए जीवन को बढ़ाए चलूंगा। और इसलिए अपनी हमने जानी है, अपने मन ने खानी है, हमलावरों की खत्म कहानी। खत्म कहानी दे देंगे अब के बरस। तो कहीं तेजा जी का थान, कहीं देवनाथ भगवान का थान, कहीं पर जोगड़िया माता का थान, कहीं पर चार भुजानाथ का थान, कहीं पर बाबा रामदेव जी महाराज का थान, कहीं पर चांतला माता का थान, कहीं भैरू जी का। इसलिए आपके हमारे प्रदेश का नाम, और इसलिए होगा पागू तेजो दादू जानो जीवन। बड़ा सागर जी से परमिशन लो, आपके साथ में जितने भी नृत्य कलाकार हैं उनको मंच पे बुलाओ। ये देखो सर, मैं उस विधा का गायन करने वाला व्यक्ति हूं जहां पर नृत्य नहीं होता। मैं तो खुद ही आज बड़े कौतूहल से देख रहा हूं, क्योंकि उनको ये मजारे देखने को मिलते ही नहीं साथ। और लगभग मुझे याद है कि 15 साल बाद मैं ऐसे किसी मंच पर हूं जहां पर राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम है, और मैंने भी अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी आप लोगों के लिए। मैं चाहता हूं राजस्थान के ऐसे होनहार कलाकार आए, मैं सभी से निवेदन करता हूं कि एक बार सभी मंच पर आए और उस भजन में उस गीत में अपनी हाजिरी लगाए। आप लोग भी यहां पर नाच सकते हो, थोड़ा आनंद कर ले, उसके बाद माना प्रताप सुनाऊंगा। एक बार पीछे तक दोनों हाथों को उठा ले और पीछे तक भारत माता जी बड़ी श्री अजमल खरमदार की, बड़ी भैरव जी महाराज की। राम देव के पद छाती लीला चिर सोन जानी, राम देव के पद छाती लीला चिर सोन जानी। चेतक और चित्तौड़ के तारे अभिमान के कितरो आयो जल्दी से आयो। कितरो रे तोरा मैं कथा कौन कौन सुबूझे भेजे राजे पुजारी भगतीनो पिछड़न पादारी पिंकल कृष्ण भाई महादेव भाई ताराचंद और फैंसी स्टोर फैंसी ताली बजाओ एक बार छोड़े चारों जोड़े। गोरे घोड़ा भी भगती लो बिछड़न पादारी
वारी धरती दो कुछ लग पादारी धरती दो पीछे आखरी धरती दो मेरा करमारी धरती दो कितने कितने तरा ये पकार पड़पन सो भूजे भेजे नीलन सिंह सिंगारे पंडी राजा बारे नीलन सिंह गारे पंडी राजा बारे नीलन सिंह गुजरात से सटा हुआ रण, राजस्थान की धरती जहां पर भामाशाह अपने देश के लिए अपना धन लुटा देते हैं, जहां पर हाडी रानी अपने पति को निशाने के रूप में अपना सिर काट के दे देती है,
जहां पर महाराणा प्रताप अपने बहनों को छोड़कर जंगलों में घास फूस की रोटी खा लेते हैं। मित्रों, आज यदि देश का इतिहास लिखा जाता है तो उस इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है इस आजादी की, वो हमारे राजस्थान और राजस्थान में भी मेवाड़ की जो महानता है वो अपने आप में गौरवशाली है। और इसलिए उत्तर में आबूसी मारो रक्षक जैसलमेर, उत्तर में आबूसी मारो रक्षक जैसलमेर, इनमें गढ़ा कर पोता है पाका घोर भूमे, पर सोता है पाका घोर भूमे। चेतक और चित्तौड़ के सारे चेतक और चित्तौड़ के सारे जगने हैं अभिमान पितरो। अब आपकी रोमन आपकी तालियों के साथ में दो पंक्तियां मैं गाऊंगा और ये हमारे कलाकार आपकी तालियों पर नृत्य करेंगे। ट्राई करें। आ भाई, जिसके हाथ में कोई फ्रैक्चर हो रखा हो, कोई टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम हो हाथ में, तो कृपया करके नीचे रखिएगा। लेकिन बिल्कुल स्वस्थ है और तंदुरुस्त है तो राजस्थान की शान में सभी भक्त सभी लोग एक बार अपने दोनों हाथों को उठा ले। गोरे धोदारी धरती दो पिछड़ पाड़ारी धरती दो पीतल का पीतल पाथल री धरती दो मीरा माधो और नाच ले बेटा। पीतल पाथल री धरती दो मीरा कर मारी धरती दो पितर पितरे रे तेरा रे बखान अनुपम से गुजे जय जय राजस्थान, 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 अनुपम से गुजे जय जय राजस्थान। बजानी है तो पिट पिट मत करो, जोर से बजा के एक बार। भारत माता की, क्या बात। हेलो हेलो, एक बार तालियां जोरदार बजाएं प्रकाश भाई के लिए। प्रकाश जी माली के लिए होने चाहिए जोरदार ताली। चेतक और चित्तौड़ पे सारे जग में है अभिमान। चित्तौड़ का अगर नाम चित्तौड़ क्यों पड़ा, क्योंकि जिन्होंने भी अपने चित्त में
मारवाड़ के बारे में, राजस्थान के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में सोचा, उनका चित्त तोड़ दिया।